मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा बनाया है। आशा करती हूँ कि मेरा प्रयोग बहुत ही सफल रहेगा। हुर्रे, प्रयोग काम कर गया। अब मैं किसी भी चीज से चॉकलेट बना सकती हूँ। ये एक सपने के सच होने की तरह है। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। क्या क्या यहाँ किसी ने चॉकलेट का नाम लिया? मुझे भी चॉकलेट बहुत पसंद है। तो क्या मैं इस पोषण का उपयोग कर सकती हूँ? ये मुझे दे दो। रुको, अपना हाथ हटाओ, तुम उसे छू नहीं सकती। क्यों, मुझे भी चॉकलेट चाहिए। तुमने ये क्या किया? मैं इतने लंबे समय से इस पर काम कर रही थी। क्या हुआ? अब हम चॉकलेट चुनौती का इंतजार कर रहे हैं। यह मजेदार होगा। चुनौती? हाँ, मुझे लगता है बहुत दिलचस्प होगा। यह जानना मजेदार होगा कि ढक्कन के नीचे क्या है। मुझे देखने दो। ये मेरा ढक्कन है, इसलिए मैं ही इसे खोलूंगी। अरे मेढक, कितना प्यारा है। परियों की कहानी में हमेशा कहते थे कि मेढक राजकुमारों में बदल जाते हैं। अब यह बात कितनी सच है, आइए जानते हैं। अरे कहाँ, मेरा राजकुमार कहाँ है? तुम किसका इंतजार कर रही हो? मुझे एक राजकुमार चाहिए। ऐसा लगता है कि परियों की कहानियों में केवल धोखा दिया जाता था। मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ? मेढक से एक चॉकलेट निकला। मुझे राजकुमारों से भी ज्यादा चॉकलेट पसंद है। तो मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी? हाँ, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी ढक्कन खोलो। ये मेढक है। ये किस तरह का मेढक है? छोटा सा मेढक। हो सकता है कि मैं भाग्यशाली हूँ और यह मेढक राजकुमार निकले, तब मैं इतना परेशान नहीं होऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये परियों की कहानी जैसा है। क्या, मुझे चॉकलेट और मैरी को प्रिंस? यह सही नहीं है। सब सही हो रहा है, हम दोनों आज बहुत भाग्यशाली हैं। मैरी, देखो राजकुमार को मैं ज्यादा पसंद हूँ। लग रहा है कि आज मैं अकेली भाग्यशाली हूँ। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। यह कितना हैंडसम है, मैं उसे पूरे दिन किस कर सकती हूँ। मेढक, अरे उसे यहाँ से हटाओ। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये तो बस एक साधारण सा मेढक है। मेरे ट्रीट्स कहाँ है? मैं भी जानना चाहती हूँ। यह रहा। वाह, कितना अच्छा है। सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बहुत सुंदर। हमें विभिन्न ट्रीट से भरे फवारे मिले हैं। मेरे पास कोला है और तुम्हारे पास चॉकलेट है, क्या यह अच्छा नहीं है? मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे कोला बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि इस फवारे को जल्दी ही खाली कर दूंगी। कितनी लालची है, वो पी रही है और अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं इसे खुद ले लूंगी। यह कोला बहुत अच्छा है। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें मेरे कोक को छूने की अनुमति किसने दी। मैं इस स्ट्रॉ को जल्दी से काट दूंगी। ओ, कम से कम थोड़ा तो पीने देती। नहीं, किसी हाल में नहीं। हाँ, तो क्या तुम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं कर सकती? अभी तो कुछ विस्फोटक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या तुमने देखा है कि जब इसमें मेंटोस डालते हैं तो कोला का क्या होता है? कोला का फाउंटेन सीधे स्वर्ग तक पहुंच गया। बहुत अच्छा, तुमने क्या किया? अब मेरे पास पीने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें नहाने की भी जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही पूरी तरह से भींगी हुई हो। और मुझे तो छाता ने बचा लिया। मौसम का फोरकास्ट है कि आज बारिश नहीं होगी। सूजी इतनी शक्तिशाली है कि बारिश भी करा सकती है। खैर, अब मेरे चॉकलेट को ट्राई करने का समय है। मुझे लगता है कि चॉकलेट कोला की तरह ही अच्छा होगा। स्वादिष्ट। यदि तुम्हें लगता है कि मैं भूल जाऊंगी कि किस तरह तुमने मुझे कोला नहीं दिया, तो तुम गलत हो। अभी मैं तुम्हारे सुंदर चेहरे को ब्राउन चॉकलेट से रंगने जा रही हूँ।
सूजी, वहाँ क्या उड़ रहा है? कितनी बुद्धू है। ठीक है, अब एक विस्फोट होगा। तीन दो एक, बैम। ये क्या था? तुमने ये क्या किया? अब मैं कभी भी इस चॉकलेट को अपने ऊपर से नहीं हटा पाऊंगी। ओ, मेरे ऊपर भी डाला है। चॉकलेट वास्तव में स्वादिष्ट है, मैंने तुमसे कहा था। और भूरा रंग हम लोगों पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लेगो बहुत पसंद है, इससे तुम जो चाहे बना सकती हो। ये सच है, लेकिन ये और भी अच्छा होगा यदि लेगो ईटे चॉकलेट से बनी हो, तब तुम उसे खा भी सकती हो। वास्तव में लेगो ईटे नहीं खा सकते, नहीं तो हम लोग बनाएंगे क्या? मैं बचपन से एक महल बनाना चाहती हूँ, लेकिन तब मेरे पास बहुत कम कंस्ट्रक्टर थे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज ये मेरे लिए काफी होगा। लेगो कैसल की जरूरत किसे है, जब आप बस बैठकर चॉकलेट क्यूब्स का आनंद ले सकते हैं। एक ही समय खाना और खेलना बहुत मजेदार होता है, यह सबसे अच्छा हॉबी है। बस हो गया, मैं इस कैसल का नाम रखूंगी अपने नाम पर। मेरा भी तैयार है और मैं इसे चॉकलेट लैंड कहूंगी। मुझे दुख है कि तुम्हारा महल मेरे महल से लगभग आधा है। दरअसल यहाँ पछताने की कोई बात नहीं है, मेरा महल खाने लायक है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि यह बहुत अच्छा है, इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ चॉकलेट शेयर करो, यानी मेरे साथ। नहीं, ऐसा क्यों, मैं तुम्हारे बिना महल संभाल सकती हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें उस ड्रैगन का सामना करना होगा जो किसी भी चॉकलेट महल को नष्ट कर देता है। ओ नहीं, प्लीज ड्रैगन नहीं, हेयर ड्रायर भी नहीं। चलो बहुत हो गया, तुम्हारे साथ सही हुआ। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि दोस्त के साथ लालची होने से क्या होता है। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक चीज जो मैं कर सकती हूँ वो है टेबल से चॉकलेट चाटना। अगर तुमने मुझसे शेयर किया होता तो कुछ नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे महल को खराब करूंगी। अब तुम देखो, अब एक कार आएगी और वो तुम्हारे पूरे महल को एक झटके में ध्वस्त कर देगी। देखो, मुझे डराओ मत, तुम्हारे पास ऐसी कोई कार नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये सच है, तुम्हारा महल अब टूट जाएगा। नहीं प्लीज नहीं। क्या नहीं, तुमने मेरे महल को नहीं बख्शा, इसलिए मैं भी नहीं करूंगी। वाह, ऐसा लगता है कि इस बार हमें हथौड़े मिले हैं। हमें इससे क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें इसे उठाना होगा। मैं इस खेल को जानती हूँ। हमें जितना जोर से हो सके पोल को हिट करना होगा, लेकिन हम अभी भी इन हथौड़ों को नहीं उठा पाए हैं। हम क्या करेंगे? चलो शुरू करो, मुझे तुम पर विश्वास है। चलो उठाओ। ओह, बहुत दर्द हुआ। हाँ दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने इस हथौड़े को उठा लिया है। अब मैं तुम्हें सबसे अच्छी चीज दिखाती हूँ। तुम्हें यह कैसा लगा? पहली बार में ही सभी 100 अंक प्राप्त किए। तुम्हें क्या लगता है कि केवल तुम ही मजबूत हो? मैं तुम्हारे रिकॉर्ड को एक झटके में तोड़ दूंगी। देखो और सीखो। चलो देखें कि हम में से कौन अधिक मजबूत है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हालांकि मेरा हथौड़ा चॉकलेट का है, इसलिए मैं इसे बेहतर तरीके से खा सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मैं इतने बड़े को नहीं काट सकती। मुझे इसे तोड़ना होगा। हाँ मैं समझ गई। यह लो और ये।
गया है। ये तुम्हारे लिए, ये लो पकड़ो। वाह, ये तो पावर हाउस है, इसमें कितनी एनर्जी है। मैं इसे भी तोड़ दूंगी। हुर्रे, काम हो गया। मैं इतनी मजबूत हूँ कि यह मशीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। वाह, गेंद उड़ गई और सीधे तुम्हारे सिर पर गिरी। लेकिन चिंता मत करो, मैं वैसे भी तुम्हारे हथौड़े पर नजर रखूंगी। मुझे लगता है कि जब तक तुम उठोगी, हथौड़ा यहाँ नहीं रहेगा। मल्टी रूट चैलेंज को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। वे आज के वीडियो से कम दिलचस्प और मजेदार नहीं होंगे, ये हमारा वादा है। हमारे साथ बने रहें।